दूसरा प्रश्न, संत पलटूदास कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही है और जो चाहे सो ले, यदि ऐसी बात है तो क्यों इस बात का धनी करोड़ों में एकाध हो पाता है? धन की लूट तो हो रही है, लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना। नदी बही जा रही लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना, तो तुम पियो। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती और प्यासे को नदी हजारों मील दूर भी बह रही हो तो भी वो यात्रा करके नदी तक पहुंच जाता है। और गैर प्यासे के सामने, घर के सामने से बहती हो गंगा तो भी दिखाई नहीं पड़ती। ख्याल रखना, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसे तुम देखने निकले हो वही दिखाई पड़ता है। कहते हैं चमार जब रास्ते पर चलते लोगों को देखता तो उसे सिर्फ लोगों के जूते दिखाई पड़ते, सिर्फ जूते दिखाई पड़ते, जूते ही खोजने चला है, जूतों से हिसाब लगाता रहता, जूता देख के पहचान लेता है चमार, करीब करीब तुम्हारे जूते से तुम्हारी पूरी आत्मकथा पहचान लेता। जूते की खस्ता हालत बता देती है कि शायद हार गए चुनाव में इस बार। जूते पे चमक, दर्पण जैसी चमक दिखा देती कि मालूम होता जीत गए। जूते की चमक बता देती है कि जेब गर्म है कि ठंडी। जूते की हालत बता देती है कि बुलाए तुम्हारे साथ मेहनत करे कि गुजर जाने थे। जूते की हालत बता देती है कि भैया गुजर ही जाओ तो अच्छा, कहीं और ही चले जाओ तो अच्छा, यहां ना लौट आना, नहीं तो उधारी करोगे। चमार जूते को देखता है, चमार जूता देखने को ही बैठा है, उसकी नजर वहां लगी। दर्जी तुम्हारे कपड़े देखता है, दर्जी तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारे कपड़े ही दिखाई पड़ते। तुम जो खोजने निकले हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता है। इस सत्य को खूब गहराई में पकड़ो। वही रास्ता, वही सड़क, वही बाजार, तुम अलग अलग बार निकले हो और तुम्हें अलग अलग दुकानें वहां दिखाई पड़ी। तुमने कभी सोचा? जीवन के छोटे छोटे तथ्यों पर विचार करो और वहां से बड़े तथ्यों की पकड़ आएगी। जब तुम भूखे होते हो तो भोजनालय और रेस्तरां और होटल यही दिखाई पड़ते। उपवास करके एक दिन जाओ बाजार और तुम पाओगे, अरे इतने रेस्तरां हैं, इतनी होटल, इतनी दुकानों पर भोजन बिक रहा है, ये तुम्हें कभी ख्याल में ना आया था। तुम भरे पेट निकले थे, ख्याल में आने का कोई कारण न था। फिर एक दिन भरे पेट जाओ, फिर वो दिखाई ना पड़ेंगे। जिसकी काम वासना पीड़ित है उसे रास्ते पर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेंगे, स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी, उसे पुरुष छूट ही जाएंगे, पुरुषों को वो मद्देनजर कर जाएगा, वो गुजरेंगे जरूर लेकिन उनकी कोई छाप न बनेगी। लेकिन जिसकी कामवासना तृप्त है उसे स्त्री पुरुषों से कोई भेद नहीं पड़ेगा। और जो कामवासना के पार जा चुका है उसे तो ये भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष का भेद तुम तभी तक करते हो जब तक तुम्हारे भीतर तलाश है, तुम्हारे भीतर वासना प्रदीप्त है, नहीं तो कौन चिंता करता। तुमने ख्याल किया? तुम वही देखते हो जो तुम खोज रहे हो। तो पलटू तो कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही कि सामने ढेरी लगी, लूट सको तो लूट लो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पलटू कहते, लेकिन जो खड़े खड़े देख रहा है उसको वहां धन दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। या ये भी हो सकता है कि जो लूट रहे हैं वो उसे पागल मालूम होते, क्योंकि जब उसे धन नहीं दिखाई पड़ता और ये टूटे पड़ रहे हैं तो पागल ही तो मालूम होंगे। ये किस
चीज पे टूटे पड़ रहे हैं, यहां कुछ भी तो नहीं है। उसे लगेगा ये सब मन की कल्पना के जाल में पड़ गए। ऐसी तो होता है, तुम यहां बैठे हो, जो लोग यहां नहीं है वो तुम्हें पागल समझते हैं, वो पागल समझेंगे, वो कहेंगे किस कल्पनाओं में पड़े हो। अरे यथार्थ जगत को देखो, किस सम्मोहन में उलझ गए हो, किसकी बातों में उलझ गए हो। ये सब बातें हैं, इनमें मत उलझ जाना, ये तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। बाल बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, परिवार को देखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, यथार्थ को देखो कि किन बातों में पड़े हो। इतना समय दुकान पर लगाओ, बाजार में लगाओ, कुछ कमाओ। कमाई हाथ में आएगी तो कुछ काम आएगी। ये धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, ये किस काम में आएगी? इसकी रोटी बनाओगे कि कपड़े बनाओगे, किससे छप्पर बनाओगे? इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा और ना पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकोगे। किस झंझट में पड़ गए हो? लोग तुम्हें समझाते हैं, लोग तुम्हें कहते होंगे अभी भी लौट आओ, अभी ज्यादा नहीं गए हो, नहीं फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ज्यादा मत उतर जाना है इसमें, वो सवास ना खो देना, औरों ने खो दिया है। उनकी बात भी ठीक तो है, उनकी तरफ से ठीक ही है। अब यहां लोग मेरे पास आए हैं, दूर दूर से आए, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, कोई ईरान से है, कोई इथोपिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई स्वीडन से आया है, कोई इंग्लैंड से, कोई इटली से, दूर दूर से लोग आए, करीब करीब जमीन के हर तरफ से लोग यहां मौजूद हैं, सिर्फ चीन और रूस को छोड़ के, क्योंकि वहां से आ नहीं सकते। लेकिन मेरे पड़ोसी भी हैं यहां पुणे में, वो नहीं आए। समझते हैं सब पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। और उनकी बात में भी सच्चाई है, उनकी तरफ से सच्चाई है। उनको यहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहां धन लुट ही नहीं रहा है। धन तो वे कमा रहे हैं, तुम तो यहां बैठे बैठे धीरे धीरे निर्धन हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम धन लूट रहे हो, तो एक बात समझो, धन और धन भी तो देखना पड़ता है। जिन्हें बाहर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता है, उन्हें भीतर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। जिन्हें भीतर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ जाता है, उन्हें बाहर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा तो उनके सारथी ने जब उन्हें छोड़ने गए जंगल में, उसने उनके पैर पकड़ लिए। सारथी ने, बूढ़ा सारथी, बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाया गया है, बचपन से बुद्ध को बढ़ते हुए देखा है, उसका भी बेटे जैसा लगाव है बुद्ध से। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये क्या कर रहे हो जंगल में, कहां जा रहे हो? इस महल को छोड़कर, इस संगमरमरी महल को छोड़कर, उस सुंदर यशोधरा को, तुम्हारी पत्नी को छोड़कर, उस नए नए पैदा हुए बेटे राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम जा कहां रहे हो? तुम बूढ़े बाप के हाथ की लकड़ी हो, और ये सुंदर महल और ये सारा वैभव जंगल में मिलेगा क्या? तुम मुझसे पूछो, मुझ बूढ़े से पूछो, मैं जंगलों में खूब भटका हूं, वहां कुछ भी नहीं है। और दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम महल से छोड़ के जा रहे हो। कौन नहीं जो राजा ना होना चाहे, और तुम राजा होना तुम्हारे हाथ में हो, छोड़ के जा रहे हो। वो बूढ़ा रोने लगा, उसकी बात भी तो ठीक है। उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सब महल में दिखाई पड़ता है। गरीब आदमी का धन महल में मालूम होता है, ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महल में कुछ भी नहीं, ये तो किसी अमीर के अनुभव में बात उतरती कि यहां कुछ भी नहीं, क्योंकि देख लिया कुछ पाया नहीं, शोरगुल तो बहुत है, सार बिल्कुल नहीं। बुद्ध हंसने लगे, उन्होंने कहा तू तेरी तरफ से ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहां कुछ भी नहीं, वहां से मैं देख के आ रहा हूं। तू तो बाहर बाहर था बूढ़े, तू तो सारथी ही था, मैं भीतर रह के आ रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं। और जिन्हें तू महल कहता है, सुंदर आलीशान वैभव से भरे संगमरमर, उन्हें मैं केवल लपटों में जलता हुआ देख रहा हूं। मुझे जल्दी दूर निकल जाने दे, इसके पहले कि वो मुझे भी खाक कर दे, क्योंकि वो बहुतों को खाक कर चुके, मेरे पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता, वो सब वहीं खाक हो गए, मुझे भाग जाने दे। वहां लपटे उठ ले, वो बूढ़ा देखता है महल की तरफ, वहां कोई लपटे नहीं,
ये बड़ी दृष्टियों का भेद है। और बुद्ध ने जो कहा था ठीक ही कहा था, क्योंकि जंगल में ही मिला, जो धन था परम धन था वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए वो धन बरसा। तो एक अदृश्य धन है, तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी। उसी दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी आंखें बाहर से मुक्त हो गई। दृष्टि की क्रांति चाहिए। तुम पूछते हो, पलटू कहते भागवत धन की लूट हो रही और जो चाहे सो ले। ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं। बस चाहना ही पर्याप्त है लेने के लिए, जो चाहे सो ले, कोई रोक नहीं रहा है। समाधि का धन ऐसा है कि उसे कोई भी रोक नहीं रहा है, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मगर बड़ा मजा है, जिस धन पर बड़ी बाधाएं हैं, जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। और जो मिल भी गया अगर, तो भी कुछ मिलेगा नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो, उस पर लूट मची। और जो धन कोई भी छीनने को नहीं मालूम हो रहा, और जो धन इतना है कि सभी को मिल जाए, तो भी न्यून नहीं होता। उस धन की तरफ तुम जा भी नहीं रहे, तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ। और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा धन तुम हो, तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है, तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन है, तुम्हारे अस्तित्व में समाया है धन। खजाना लेकर तुम आए हो, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस चाबी को तुम कभी भीतर की तरफ लगाते नहीं, बाहर की तरफ लगाते हो। यही आंखें जो बाहर की तरफ भाग रही, दूर दिशाओं में दौड़ी चली जा रही, यही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती। यही हाथ जो और सारे संसार को पकड़ते फिर रहे हैं, इन्हीं हाथों में छिपी ऊर्जा भीतर की तरफ लौट के परम धन को संभाल लेती। लेकिन कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम उसके प्यासे नहीं। तुम अभी संसार से थके नहीं हो, तुम्हें लगता है यहां शायद हो, आज नहीं मिला कल मिले। जितना मिला है शायद इतने से तृप्ति नहीं हो रही, थोड़ा और ज्यादा मिले तो तृप्ति हो जाए। 10,000 तुम्हारे पास है तो शायद 10,00,000 होंगे तो तृप्ति हो जाए। 10,00,000 होंगे तो मन कहेगा 10,00,00,000 हो जाए तो तृप्ति हो जाए। और मन के फैलाव का कोई अंत नहीं, मन आंकड़े बड़े करता चला जाता। तुम जहां रहोगे वहीं से मन के आंकड़े बाहर और भविष्य की तरफ विस्तीर्ण हो जाएंगे। मन क्षितिज की तरह फैलता चला जाता। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका न देगा कि अब आगे नहीं। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिन मार से, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य यह संदेश देती प्यार से। घूंट यह पीलों की संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिन तमार से, कभी का ये मन मर गया होता, लेकिन ये मन आशा का दिया जलाए रखता। ये मन कहता चला जाता, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य संदेश देती प्यार से। बड़ी मीठी बातें कहता मन, दुर्दिन गए भले दिन आने को ही, अब मत लौटो, करीब आके मत लौट जाओ, अब तो बिल्कुल हाथ नहीं है मंजिल, अब ना लौट जाओ, पागल हुए हो, इतनी दूर चला है अब कहां लौट के जाते हो। घूंट यह पी लो कि संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है, कल कभी आता नहीं। और मन कहे चला जाता है आ रहा है आ रहा है, बस जरा ही दूर है, आया ही जाता है, कल कभी आता नहीं।
कल सदा दूर ही बना रहता है। तुम्हारे बीच और कल के बीच दूरी शाश्वत है, सदा उतनी ही रहेगी जितनी सदा से, उसमें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और मन सदा कल की बातें करता रहेगा। ये जो मन का धन है कल में है और कल आता नहीं, और ये असली धन है वो अभी है, यही है और तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे साथ ही आया है। असली धन खोता ही नहीं, सिर्फ विस्मरण होता है, और नकली धन कभी मिलता ही नहीं, सिर्फ आशा बंधती। तो पलटू कहते तो ठीक ही है कि जो चाहे सो ले, जिस दिन चाहोगे, जिस दिन भी तय कर लोगे कि बस उब गया, थक गया, अब और कल की दौड़ नहीं, अब और आपाधापी नहीं, समझ लिया मन को, मन का गणित समझ में आ गया कि तो रोज ही यही कहे चला जाएगा कि कल कल कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, यहां नहीं स्वर्ग में, यहां नहीं कहीं और। मन सदा कहता है कहीं और है सुख। देखो भिकमंगा सड़क पर सोचता है चलते समय, महल में जो विराजमान है वहां है सुख, और महल में जो बैठा है परेशान पीड़ित रात भर सो भी नहीं सका, महल में नींद कहां, जिसकी भूख भी मर गई महल में भूख कहां, जो किसी तरह दवाइयों के सहारे जिए जा रहा है, वो सोचता है रास्ते पे चलते भिखारी को देखकर कि शायद इस भिखमंगे की मस्ती में सुख हो। देखो किस मजे से चला जा रहा है, एक तारा बजा दो। देखता है इस भिखमंगे को रास्ते पर सोया हुआ धूप में, घनी धूप में, और गुर्राटे ले रहा, और वो अपने महलों में सुंदरतम बिस्तर बनाए हुए है तो भी नहीं सो पाता, नींद असंभव हो गई, चैन हराम हो गया। भिखमंगे को देखकर, उसकी चाल को देखकर, उसकी मस्ती को देखकर, उसके मृदंग भाव को देखकर अमीर को लगता है शायद सब छोड़ देने में सुख है। तुम भी ऐसा सोचते हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं सोचना, तुम सदा ऐसा सोचते हो कोई और सुख पा रहा है। शहर में रहने वाला सोचता है गांव में रहने वाले लोग बड़े सुखी, गांव वाले से तो पूछो कभी, गांव वाला लाख कोशिश कर रहा है कि कैसे शहर पहुंच जाए। बंबैया सोचता है कि कैसे गांव पहुंच जाए, गांव वाला सोचता है कैसे बंबैया हो जाए। गांव वाले की एक ही आशा लगी कभी बंबई पहुंच जाए, और बंबई वाला सोचता रहता है, कविताएं भी पढ़ता है, वो बंबई ही लिखते, वो कविताएं भी बंबई में रहने वाले लोग लिखते हैं, गांव के सौंदर्य की, गांव की प्रकृति की, गांव के निसर्ग की। गांव वहां जाते नहीं, वो कौन रोक रहा है तुम्हें गांव जाने से। मैं दिल्ली में था और एक हिंदी के बड़े कवि मुझे मिलने आया, उन्होंने एक कविता सुनाई गांव की, बड़ी प्रशंसा। मैंने उनसे पूछा कविता तो ठीक है, मगर एक सवाल पूछो, नाराज तो ना होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो सोचे कि शायद मैं कविता के संबंध में कुछ पूछ रहा हूं। मैंने कहा तुम्हें रोकता कौन दिल्ली में, तुमसे कह कौन रहा कि तुम रहो, कोई दिल्ली तुम्हारे पीछे पड़ी, तुम गांव जाते क्यों नहीं। वो तो जरा चौंके, 10-5 और लोग बैठे थे, वो जरा बेचैन भी हो गए। इसका उत्तर क्या दे, रोकता कौन है तुम्हें, अभी निकल जाओ, टिकट की दिक्कत है, तुम्हें जिनके घर में ठहरा था मैंने उनको टिकट का इंतजाम कर दिया, इनको अब जाने दे, न पत्नी है न बच्चे, दिल्ली में भी घर द्वार नहीं है, होटल में रहते, काहे परेशान हो, कौन से गांव जाना है, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा भी खुद क्या मुझे भेज ही दे, किस गांव की ये तस्वीर तुमने उतारी। कहने लगी किसी गांव की नहीं, तो गांव मात्र की। मैंने कहा फिर भी तो कोई गांव, ये कहीं है जमीन पर, वो तुम्हें भेज दे और तुम दोबारा लौट के दिल्ली मत आना। होगा ये तो कविता है, आप भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे। मैं तो समझा कि इतनी तुमने मेहनत की है, रात देर तक जगे होगे, कविता लिखी है, जोड़ तोड़ किया, शब्द बनाए, तो कुछ मतलब की होगी, कौन रोकता है। लेकिन ये गांव जाते नहीं, ये गांव से ही आए,
और इनको भली भांति पता है कि गांव का सौंदर्य कैसा। अभी बरसात के दिन है तो कीचड़ ही कबाड़ है और मच्छर है और खटमल है और हजार तरह की बीमारियां हैं और भुखमरी है और ये सब प्रकृति और सौंदर्य सब बकवास शहर में बैठे आदमी को सूझ रही। लेकिन तुम जहां नहीं हो वहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वहां घट रही है असली बात। तुम जहां हो कुछ परमात्मा ऐसा नाराज है कि वहीं भर नहीं घटती और सब जगह घटती। हर दूसरे की शक्ल तुम्हें हंसती हुई मालूम पड़ती और तुम भी भली भांति जानते हो कि तुम जब घर से निकलते हो तो आईना में देख डाक के चेहरा बना बनू के तुम भी मुस्कुराते निकलते हो, फिर भी तुम्हारी अकल में नहीं आता कि ऐसे सब भी मुस्कुराते निकलते हैं घर से। ये धोखा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, ये सब रो रहे हैं। ये भीतर के आंसुओं को छिपा लेने की तरकीब है, ये आवरण है, ये मुस्कुराहट, क्योंकि रोना जरा अभद्र होगा और कौन अपनी बेइज्जती कर पाए रास्ते पर खड़े होकर रोना, कौन अपनी दीनता दिखाए, शर्मा रहे हैं अपने रोने से तो मुस्कुराहट पोत कर निकले। छुपा ली है झुर्रियां जीवन की पाउडर में लाली में लगा के, इसी तरह छुपा लिए हैं अपने आंखों के अंधेरे सुरमा काजल में, किसी तरह बंधन के बाहर आ गए। इनको देख कर दूसरे मोहेंगे और सोचेंगे गजब, तो ये आदमी ने पा लिया मालूम होता, ये आदमी ऐसी मस्ती से चला जा रहा, इससे तो पूछो, इसके भीतर तो झांको, और इसके भीतर झांकने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने भीतर झांको, तुम भी तो यही कर रहे हो। हम दूसरे को धोखा देते हैं और इस कारण सारी दुनिया हमें धोखा दे रही। तुम जो कर रहे हो वही दूसरे लोग भी कर रहे हैं, कोई यहां सुखी नहीं है, क्योंकि सुख तो भीतर जाने से मिलता है, यहां कोई भीतर जाता नहीं मालूम पड़ता, सबकी जीवन ऊर्जा बाहर बही जा रही, धन में पद में प्रतिष्ठा में। दिल्ली चलो, सभी दिल्ली जा रहे हैं, किसी तरह चलो दिल्ली के करीब ही पहुंच जाओ, न पहुंचे दिल्ली भी तो कहीं तो रास्ते में करीब पहुंच गए, जितने करीब पहुंच गए उतना ही सुख मिल जाएगा। अपने भीतर आने से कोई सुख को उपलब्ध होता है तब चेहरों पर मुस्कुराहट पोतनी नहीं पड़ती, तब एक दीप्ति होती सहज भीतर से उठती, तब एक शांति होती जिसके लिए कोई आयोजन नहीं करना होता। जागो तो रहती है, सो जाओ तो रहती, उठो तो रहती है, बैठो तो रहती, बोलो तो, चुप रहो तो, तब एक आनंद की लहर 24 घंटे बनी रहती, जिसको पलटने का आठों पहर तूरा बजता है, वो बजता ही रहता है भीतर का संगीत, उसे बजाना थोड़ी पड़ता है, वो बज ही रहा है, तुम्हारे भीतर इस क्षण भी बज रहा है। लूट सके तो लूट, मगर लूटने में बाधा क्या है, कोई बाधा नहीं सिवाय इसके कि तुम भीतर जाते नहीं, तुम बाहर भागे जा रहे, तुम अपने से कोसों दूर खड़े हो, तुम अपने से ऐसे भागे हो जैसे कोई अपने दुश्मन से भाग गया, तुम अपने से ऐसे भागे हो जैसे कोई मौत से भाग गया, तुम अपने पास ही नहीं आते, तुम दूर दूर चक्कर मार रहे हो, तुम चांद तारों पे घूम रहे हो लेकिन कभी घर नहीं लौटते। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का मार्ग जन्मों जन्मों से न चलने के कारण तुम्हें बिल्कुल अपरिचित हो गया, इसलिए कोई गुरु चाहिए कि जो तुम्हें घर के मार्ग को फिर से याद दिला दे। सारा धर्म घर वापस लौटाने की यात्रा है, ये पुनः वापसी है, महावीर ने इसको प्रतिक्रमण कहा है। आक्रमण तुम कर रहे हो अभी, आक्रमण का अर्थ वहां है सुख, जाऊंगा कब्जा कर लूंगा, प्रतिक्रमण का अर्थ है लौटा, वापिस लौटा, वहां नहीं है सुख, यहां है सुख, मैं हूं सुख, अपने में लौटाऊंगा।
पलटू कहते हैं इतनी ही बर जरूरत है कि तुम चाहो, पर चाह कैसे पैदा हो? चाह तभी पैदा होगी जब तुम अपनी बाहर की चाह की घनीभूत पीड़ा को देखो। तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही बाहर की असलियत तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगी, और कोई कारण नहीं है कि क्यों दिखाई ना पड़े, तुम देखना नहीं चाहते, देखते नहीं, देखने से बचते हो। प्रत्येक अनिश्चय से कुछ नष्ट होता हूं, प्रत्येक निषेध से कुछ खाली, प्रत्येक नए परिचय के बाद दूना अपरिचित, प्रत्येक इच्छा के बाद नई तरह से पीड़ित, हर अनिर्दिष्ट चरण निर्दिष्ट के समीपतर पड़ता है, हर आसक्ति के बाद मन उदासियों से घिरता है। जागो और जरा देखो, हर अनुरक्ति मुझे कुछ इस तरह बिता जाती है मानो फिर जीने के लिए कोई भविष्य नहीं बचता है। कितनी बार तुमने वे ही सुख जाने जिनको तुम अभी भी चाहने की आकांक्षा से भरे हो, फिर मिला क्या? थोड़ा परखो, थोड़ा कसो। एक स्त्री के, सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ गए थे कि सुंदर पुरुष के प्रेम में पड़ गए? फिर मिल गई सुंदर स्त्री, फिर क्या हुआ? एक बार लौटकर देखो, विश्लेषण करो, फिर हुआ क्या? कहां खो गया सौंदर्य, कहां खो गई सुंदर स्त्री, कहां खो गया प्रेम? हाथ में राख रह गई, अंगार भी तो नहीं, और अब फिर तुम योजना बना रहे हो। मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मर गई तो उसके एक मित्र ने 3-4 दिन बाद पूछा कि मुल्ला, बहुत दुखी मालूम पड़ते हो, तुम्हारे दुख को देख के तो ऐसा लगता है कि अब तुम दोबारा विवाह नहीं करोगे। मुल्ला ने कहा, क्षमा करें, मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि अनुभव पर सदा आशा की विजय हो जाती, अनुभव पर आशा की विजय। मित्र ठीक ही कह रहा था, लेकिन मुल्ला जीवन का एक गहरा अनुभव बता रहा, वो कह रहा अनुभव पे आशा की विजय हो जाती। इस पत्नी के साथ सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं जाना, तुम भी जानते, मैं भी जानता, लेकिन पता नहीं किसी दूसरी स्त्री के साथ सुख मिलना बताओ, अनुभव पर आशा की विजय। और ऐसा भी नहीं है कि एकाद बार ऐसा हुआ हो, हर बार ऐसा हुआ। तुम अनुरक्त थे एक भवन में, एक मकान के खरीद लेने में, फिर तुमने बड़ी मेहनत की, वर्षों श्रम उठाया, धन कमाया, चोरी चपाटी की, बेईमानी की, धोखाधड़ी की, सब जालसाजियां की, किसी तरह उस मकान को पाने में समर्थ हो गए, फिर क्या हुआ? मिला सुख, पहुंचे किसी आनंद में, कोई मग्नता वर्षी, कोई फूल खिले, फिर खाली के खाली, फिर राख के राख, फिर सोचने लगे कि कोई दूसरा मकान। ऐसे तुम जीवन के हर अनुभव से गुजरे हो, बहुत बार गुजरे हो, लेकिन तुम अनुभव से सीखते नहीं, अनुभव पर आशा की विजय हो जाती। अगर अनुभव से सीखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक अनिश्चय से कुछ नष्ट होता हूं, प्रत्येक निषेध से कुछ खाली, प्रत्येक नए परिचय के बाद दूना अपरिचित। तुम अपनी पत्नी से अपरिचित हो गए हो या नहीं, ये मुझे सोचकर कहो, सोचना अपने भीतर। परिचय बनाने चले थे, सोचा था कि विवाह करके इससे परिचित हो जाएंगे, मगर परिचय हुआ, 30-30 साल तक लोग पति पत्नी की तरह रहे हैं और अपरिचित, और जरा भी एक दूसरे को पहचानते नहीं, और जरा भी दोनों के बीच सामंजस्य नहीं उठ सका है, संगीत नहीं उठ सका है, दोनों के सुरताल मिले नहीं, परिचय कहां? जितने दिन साथ रहोगे उतने अपरिचित हो जाते हो। प्रत्येक निषेध से कुछ खाली, प्रत्येक नए परिचय के बाद दूना अपरिचित, प्रत्येक इच्छा के बाद नई तरह से पीड़ित। देखा नहीं कितनी इच्छाएं तुम भर लेते हो, भरते ही नई पीड़ा शुरू हो जाती, इधर पुरानी इच्छा पूरी नहीं हुई कि नई इच्छाओं के अंकुर निकल आते। ये होता ही रहेगा, ये होता ही रहा है, इसी को हम आवागमन का चक्र कहते हैं।
इसी को हम कहते हैं 84 करोड़ योनियों में भटकना। हर अनिर्दिष्ट चरण निर्दिष्ट के समीपतर पड़ता है। हर आसक्ति के बाद मन उदासियों से गिरता है। कितने बार प्रेम में पड़े और कितने बार हाथ खाली के खाली रहे। कितने बार समझा कि हीरा है और जब उठाया तो पत्थर पाया, मगर अब भी जब चमकदार पत्थर दिखाई पड़ेगा फिर तुम हीरे का भ्रम खा लोगे। तुमने भ्रम खाने की जिद ही कर रखी है। तो फिर पलटू का धन तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा। तुम्हें जो धन मालूम होता है, जब तक वो तुम्हें कूड़ा करकट ना दिखाई पड़े तब तक पलटू का धन ना दिखाई पड़ेगा। ये दोनों धन एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकते। अगर तुम्हें दुनिया में धन दिखाई पड़ रहा है तो आत्मा में धन नहीं दिखाई पड़ेगा। दुनिया भी भाषा का धन आत्मा की भाषा के धन से बिल्कुल विपरीत है। और जिस दिन तुम्हें दुनिया में कोई धन न दिखाई पड़ेगा उस दिन देर नहीं है, फिर एक क्षण में लौटना हो जाता है, तुम्हें भीतर का धन दिखाई पड़ने लगेगा। पर अनुरक्ति मुझे कुछ इस तरह बिता जाती है मानो फिर जीने के लिए कोई भविष्य नहीं बचता है, लेकिन फिर उमग आता है, फिर निर्मित हो जाता है। जरा देर के लिए तुम उदास हो जाते हो, जरा देर के लिए थक जाते हो, रात सो लेते हो, सुबह फिर उमंग से भर जाते हो, फिर दौड़ दो, फिर संसार, फिर फैलाव, फिर कल्पना के जाल। अगर तुमने जीवन के सारे दुखों को ठीक ठीक देखा तो उनका इकट्ठा परिणाम यह होता है कि संसार दुख है। ये बात जितनी सघन होकर तुम्हारे प्राणों पर खुद जाती है, अंकित हो जाती है, उतनी ही जल्दी पलटों की बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस, खिजा गई तो बहारों में भी जी नहीं लगता। अगर सच में तुम जिंदगी के दुखों को समझ लो, कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस, अगर तुम्हारा दिल जीवन के सारे दुखों से इस बात ही जागरूक हो जाए, देख ले, ठीक ठीक देख ले, पहचान ले, सब पर्दे उघाड़ के पहचान ले कि कहीं कोई सुख नहीं है। कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस, खिजा गई तो बहारों में भी जी नहीं लगता। फिर तो पतझड़ चले जाने की तो बात ही छोड़ो, जब बहार भी आ जाएगी तो भी जी नहीं लगेगा। अभी तो तुम्हें जहां कोई सुख नहीं है वहां भी सुख मालूम होता है, अभी तो दुख में भी सुख का भ्रम होता है। फिर असली सुख भी सामने खड़ा हो जाए संसार का तो भी तुम्हें दुख दिखाई देगा, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब धोखे हैं। संसार ने बहुत बार धोखा दिया है। ये भ्रामक जाल है, ये मृग मरीचिका है। ऐसा तुम्हें दिखाई पड़े और कोई कारण नहीं कि क्यों दिखाई ना पड़े। अगर तुम देखना चाहो तो अभी दिखाई पड़े, यही दिखाई पड़े। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि तुम सोचना कल, विचारना देखना, तुम जिए हो, काफी जी लिए हो, सब अनुभव दोहर चुके हैं। अनुभव कितने थोड़े हैं जरा सोचो तो। दो चार बातें आदमी दोहराता रहता है, वही क्रोध कितनी बार कर चुके, हजार बार कर चुके, लाख बार कर चुके, अब कब तुम्हें अनुभव होगा। वही राग कितनी बार कर चुके, वही मोह, वही ईर्ष्या, वही मत्सर, वही अहंकार। मामला तो कुछ इना गिना, उंगलियों पे गिना जा सके इतना है। कुछ बड़े गणित की जरूरत नहीं, उसे उसी को हम दोहराते रहते। एक महीने की डायरी तो रखो, 30 दिन की डायरी रखो और तुम पाओगे तुमने करीब करीब सब दोहरा लिया जो जिंदगी में दोहरता है। दुखी हुए, नाराज हुए, परेशान हुए, पीड़ित हुए, अपमानित हुए, दंभ घेरा, मोह पकड़ा, रात में पड़े, सब हो गया। एक महीने में सब दोहर जाएगा, फिर तुम नया और करने को क्या बचा। फिर इसी को तुम कितनी ही बार दोहराते रहो, फिर तुम ग्रामोफोन के टूटे हुए रिकॉर्ड हो जाओगे। फिर वही वही लकीर दोहरती रहेगी, दोहरती रहेगी। पुनरुक्ति है जीवन, इसलिए तो हमने चाक से उसकी उपमा दी है। इस देश ने जीवन को अगर चका कहा है
चक्र का है, तो इसीलिए कि चाक घूमता रहता, पुनरुक्ति है, वही फिर वही फिर वही। नया क्या है, नया कहां है? कुछ भी नया नहीं। फिर तुम कैसे इसे पकड़े हो? तुम देखते ही नहीं, तुम अनुभव से कुछ निचोड़ते नहीं। अनुभव के निचोड़ का नाम बोध है।